राम राम जी। आज हम बात करेंगे EGR के बारे में कि EGR में प्रॉब्लम क्या आती है, EGR के अंदर क्या दिक्कतें होती है, क्या परेशानी होती है कि जिसकी वजह से EGR के फॉल्ट कोड आ जाते हैं या फिर नहीं भी आते हैं तो हमारी गाड़ी थोड़ा थोड़ा धुआं देने लगती है और वो इनिशियल पिकअप वो ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो EGR के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है इसी पे जानेंगे। EGR में दिक्कत आएगी तो फॉल्ट कोड क्रिएट हो जाएंगे, EGR का फॉल्ट कोड आएगा। लेकिन EGR के अंदर परेशानी क्या होती है उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमने EGR लिया हुआ है और किसी गाड़ी का भी EGR हो सारा एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए मैंने कोई भी EGR ले लिया, तो उसी EGR के बारे में देखेंगे कि क्या अंदर पंगा है। तो आ जाओ सबसे पहले, अभी मैंने दो पेज खोल दिए इसके, चलो देखना टूटे मत, चलो 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 बस ये है EGR। वाल और मोटर दोनों कंप्लीट है, ये है इसकी असेंबली, ठीक है। अब इस असेंबली में चूंकि EGR गैस गर्म होता है, हीट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो इसके लिए हमें कूलेंट कनेक्शन किया गया ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए इसी गैसेस को, एग्जॉस्ट गैसेस को। तो इसके लिए कूलेंट का कनेक्शन किया गया है, कूलेंट की हाउजिंग है जहाँ कूलेंट आके रुकता है और EGR के टेम्परेचर को थोड़ा सा ठंडा करता है। तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये लाइनें चूँकि ये यहाँ से देख लेना होता है, लाइन ओके है, ये भी ओके है, लाइन यहाँ से दिख रहा होगा, लाइन ओके है पर बहुत ज़्यादा डस्टी है, तो इसे हम क्लीन करेंगे। तो इसको रखो साइड में फिलहाल। इंजन कई सारे, एक एक इंजन है, एक इंजन होके आ गया, अभी मैं बांधूंगा इस इंजन को, और एक हेड खुल के आ गया है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वाल या मोटर में क्या परेशानी होती है, किसकी वजह से गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है EGR में, तो वो सारी चीज़ें समझते हैं। ये फ्लैप है तो इसको पहले, ये घूमेगा नहीं क्योंकि मोटर लगा हुआ है, तो इसके लिए मेरे को वो दे दो, बोल्ट दे दो ताकि पहले मोटर को खोल ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहानी क्या है। ये हो गया हमारा मोटर जो ऑपरेट करता है EGR को, ठीक है। तो अभी मोटर ठीक है, ये चल रहा है, फ्री है, देख सकते हैं आप, क्लियर करते जाना जरा, ठीक है। तो अभी मोटर को हम रखते हैं इसको साइड में। मेन चीज़ है वाल, कि वाल की क्या कंडीशन है। तो अभी चूंकि स्टक पोजीशन में है, वाल बंद है, अब देखते हैं कि, अबे यार भाई ये देखो फुल्ली डांस जाम है। अब देखो ये कितना जोर लगाना पड़ रहा है, अब इसको डबल जोर लगाते हैं। ओ भाई पेचकस दो यार, ये तो ज़्यादा ही जाम है। आवाज़ सुनो, अभी इसको दबाया और ये स्टक पोजीशन में रुक गया, देख सकते हैं, जो कि रुकना नहीं चाहिए, इसे बंद हो जाना चाहिए तुरंत ही, लेकिन स्टक पोजीशन में रुक गया, ऊपर ओपन पोजीशन में। और इतना हार्ड है, इतना हार्ड चूँकि होना नहीं चाहिए, वरना मोटर के अंदर इतनी औकात नहीं है कि इतने हार्ड को दबा के खोल सके। तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या तो खुल जा रहा है तो खुला ही पोजीशन में रह रहा है, या फिर बंद हो जा रहा है तो बंद पोजीशन में रह रहा है, इसलिए एरर कोड EGR के आएंगे। अब हम और इसे दबाते हैं, सबसे पहले बड़े पेचकस से लेके इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा। ये दिखाओ जरा खुला पोजीशन में है कि नहीं है, ठीक है ना, इधर से दिखाओ गैप, दिख रहा है ना, दिख रहा है। अबे भाई तो फुल, एक सेकंड जरा ठोक के देखता हूँ मैं, जरा ठोकने से बंद हो रहा है, बंद हो गया, अभी दोबारा से हम इसे करते हैं, दबाते हैं, फैन नहीं खुल रहा यार। तो इसको हमें, ये फॉल्ट है, जाम है बहुत ज़्यादा, इसलिए ना तो ओपन हो रहा है ना क्लोज हो रहा है। यदि ओपन हो भी गया गलती से तो क्लोज नहीं हो रहा है, और क्लोज है तो ओपन ही नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी औकात नहीं है इस मोटर की, आप समझ सकते हैं। तो ये स्टक है और इसलिए EGR के फॉल्ट कोड भी आते हैं, और EGR में यही चीज़ जाम होती है अक्सर, जो मोटर का प्रॉब्लम नहीं होता है,
जाम हमारा एक्चुएटर होता है, जो वाल होते हैं, वाल जाम होते हैं, तभी हम इसको फ्री करने वाले हैं, ठीक है, फ्री करके देखेंगे। तभी इसको डाल दो कम से कम। अब बताओ, ये स्प्रिंग है, देखो स्प्रिंग बिल्कुल, ये नहीं है कि स्प्रिंग भी हार्ड है, बिल्कुल सेट है स्प्रिंग, ये देखो। तो ये हमें पहले डीजल में डाल के रखना पड़ेगा, क्लीनिंग करके मैं बताता हूँ, ठीक है, कट करो इसे। अभी सारे क्लीनिंग कर ली, ड्रेस भी चेंज कर ली, ड्रेस चेंज नहीं किए तो चुकी, सारी अच्छे से क्लीनिंग कर ली, सारे पाइपलाइन को, इसको रखता हूँ साइड में। ये भी जो जीआर के ही पार्ट्स हैं, इसको भी क्लीनिंग कर ली अच्छे से, चमका दिया बढ़िया करके। और ये भी टोटल असेंबली सारी क्लीन कर ली, अभी पानी निकल ही रहा है, इसको भी रखते हैं साइड में। मेन चीज़ ये है, जो स्टक हो गया था, स्टक पोजीशन में जो खुल नहीं रहा था या फिर बंद नहीं हो रहा था, तो कारण तो यही होता है ईजीआर में, सिर्फ यही वाली जाम होते हैं। और वाल जाम हो जाएगा तो पिकअप का इशू, धुएं का इशू, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी मैंने इसको काफ़ी रगड़ाई करने के बाद से तो फ्री तो हो गई। अब देखो ये कंडीशन होती है, इधर पास में दिखाओ ज़रा, देख रहे हो ना, ये होता है कि ऐसे दबा के छोड़ा, जैसे इधर देखो, देख रहे हो ना, दबा के छोड़ने से ही स्प्रिंग, ये देखो खुला, छोड़ा, ठीक है। तो अभी ये स्टक जो हो रहा था, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी मैंने क्लीनिंग करके। और ये चूंकि एग्जॉस्ट गैस चलता है, तो इसकी वजह से कार्बन आ जाते हैं इसके पिनों पे, और इसलिए जाम हो जाता है सबसे पहले। तो अभी फिलहाल ये फिट है, अब बिल्कुल वर्क करेंगे अच्छे से, अब मोटर भी काम करेगा इसमें। तो कभी भी ईजीआर का फॉल्ट आए, या फिर ईजीआर का इशू है, या फिर हल्का हल्का स्मोक दे रही है, ब्लैक स्मोक, तो भी इसका इशू हो जाता है। तो इसको इस तरीके से क्लीन करना होगा पूरा खोल के, मेन ये है। बाकी बाहर का आइटम कर लो, वो अच्छी बात है, पर मेन चीज़ ये है कि ये स्टक नहीं होना चाहिए, या फिर ओपन पोजीशन में या क्लोज पोजीशन में। पर ये पूरा स्टक था, रुका हुआ था, जाम था, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर दिक्कतें आती हैं, फॉल्ट कोड क्रिएट होते हैं ईजीआर के। तो अभी बिल्कुल क्लीन कर लिया मैंने, और काफ़ी टाइम लगा यार इसको क्लीनिंग में, तो आप समझ सकते हैं, एक घंटा के करीब मैं खाली क्लीनिंग में लग गया। तो ठीक है, बाकी मोटर भी मैंने क्लीन कर ली, देख सकते हैं, मोटर भी साफ़ कर दिया, इसको तेल से नहीं साफ़ करना वरना मोटर ख़राब होगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।